आप पूछोगे या मुझे खुद से ही कुछ बोलना है? जय भीम, जय शिवराय। आज छत्रपति संभाजी नगर यानी पहले का औरंगाबाद, यहाँ पर बौद्ध मराठा एक्य परिषद का आयोजन किया गया था। लेकिन दो दिन पहले यहाँ पर मराठा हमारे जो भाई है मराठा समाज पर जो लाठी चार्ज हुआ, उनके संवैधानिक अधिकार मांगने के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको बहरहमी से पीटा गया, इसके निषेधार्थ हम लोगों ने बौद्ध मराठा एक्य परिषद स्थगित की है। आने वाली तारीख जाहिर की जाएगी और आज हम लोग हमारे जो मराठा भाई है उनके साथ एकता दिखाते हुए उनके साथ हम लोग खड़े हैं। मराठा समाज की जो मांग है और ख़ास करके आरक्षण के लिए जो मांग है उसके लिए भारत के महाराष्ट्र के सभी बौद्धों का और व्यक्तिगत बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार से मैं राजरत्न अम्बेडकर पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हूं और उन्हें ये आरक्षण मिलना चाहिए ये मांग हम देश के सभी लोगों की है। और उनके साथ उनकी इस घड़ी में हम कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। और महाराष्ट्र में इस तरह का काम अगर हो रहा है कि जहाँ पर मराठा समुदाय बड़े पैमाने पर रहता है, अगर महाराष्ट्र में मराठाओं की इस तरह से लाठीचार्ज उन पर हो रहा है, उनकी पिटाई हो रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि आने वाले समुदाय आने वाले समाज के साथ क्या होने वाला है। और इसलिए चाहे वो मुस्लिम हो, मराठा हो, बौद्ध हो या किसी भी जाति धर्म के लोग हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हम सबको इकट्ठा होकर एकता, इस देश के नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते एक दूसरे के साथ खड़ा रहना अनिवार्य है, जरूरी है। और ये एकता हम लोग आने वाले समय में दिखाएंगे। और जो लोग आज हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं, हमारे आंदोलन उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं, 2024 में इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम भी भारत के महाराष्ट्र के लोग करेंगे, ये आशा और विश्वास में दिखाता हूँ। देखिए, संविधान पूरी तरह से ये लोग बदलना चाहते हैं और इनके सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज ने ये बयान दिए हुए हैं, कई सारे मुख्यमंत्री ने ये बयान दिए हुए हैं। आप लोगों को पता होगा चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने भी ये बयान दिया है कि संविधान बदलना चाहिए। महाराष्ट्र के पहले के चीफ मिनिस्टर, अभी के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने भी ये बयान दिया हुआ है। और इसलिए इनकी मंशा संविधान को लेकर क्या है, लोकतंत्र को लेकर क्या है, ये हम लोगों को अंदेशा लगा देना चाहिए। और इसलिए मैं आज सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा, आने वाली इलेक्शंस ये किसी पार्टी के बीच नहीं होने वाली, ये जो इलेक्शन है ये मनुस्मृति और संविधान के बीच होने वाली है। और इसलिए देश के लोगों को तय करना है कि वो मनु का कानून चाहते हैं या हमारे महापुरुषों की जो उनकी लड़ाई है, और वो जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने इन महापुरुषों की लड़ाई संविधान में अंकित की है, क्या वो कानून उनको इस देश में रखना है। तो ईवीएम असंवैधानिक, किसी भी देश में, प्रगत देश में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है उस देश में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। और भारत जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना पिछड़ा हुआ है, एक चिप तक भारत नहीं बनाता, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, मोबाइल की एक चिप भी भारत में नहीं बनती, ऐसे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। ये लज्जास्पद है और हास्यास्पद है, इसलिए ईवीएम का बैन इस देश में होना चाहिए। थैंक यू।